आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी में रेल सुविधाएं वैसे ही काफ़ी विलंब से सिवनी वासियों को मिल रही हैं। अब सिवनी में अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम के तहत सिवनी में रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। स्टेशन अभी बना है, स्टेशन अभी तैयार हुआ है, पिछले साल ही इसे लोकार्पित किया गया था और लोकार्पित करने के बाद उसके उपरांत यहाँ पर सवारी गाड़ियों का परिचालन आरंभ हुआ था। कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है सूर्यास्त का। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ जब ये स्टेशन बन रहा था उस वक्त भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन में लगातार इन विसंगतियों को उजागर किया जाता रहा, किंतु स्थानीय सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा इस मामले में पहल नहीं की गई, जैसा प्रतीत हो रहा था कि उनके द्वारा बहुत ज़्यादा इस मामले में पहल नहीं की गई। अब जबकि लोकसभा का वर्तमान लोकसभा में संसद का अंतिम सत्र भी का अवसान हो चुका है और अंतिम सत्र के अवसान के उपरांत यहाँ आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पर अब यहाँ काम चल रहा है। जब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन लगातार ही इस बात को उजागर करती आई थी कि यहाँ धूप गर्मी बरसात जो भी आएंगे वे कैसे यहाँ पर रहेंगे, पहले हम आपको दिखा दें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिवनी फोर्ट रेलवे स्टेशन। सिवनी में फोर्ट है ही नहीं, मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन जो महाराजपुर में स्थित है मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन कहलाता है, पर सिवनी फोर्ट रेलवे स्टेशन यहाँ पर लिखा गया है। और सिवनी के बारे में दरअसल जानकारी का अभाव निश्चित तौर पर अधिकारियों को होगा। सिवनी में रेलवे स्टेशन नहीं, फोर्ट नहीं है, माफ़ कीजिएगा, फोर्ट नहीं होने के बाद यहाँ सिवनी फोर्ट रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है। जिस स्थान पर यहाँ पर काम चल रहा है ये बनाओ तोड़ो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन लगातार इस बात का उल्लेख हम करते आए हैं। बनाओ और तोड़ो, इसका भोगमान आखिर कौन भोग रहा होगा, इस बारे में कहना ज़रा मुश्किल है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर लोहे के स्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं, उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर संभवतः शेड लगाया जाएगा ताकि बारिश से बचाव लोगों का हो सके। और ये शेड जो लग रहे हैं ये बिल्कुल शहर सड़क के बीच तक पहुंच रहे हैं। डीआरएम नमिता त्रिपाठी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, अधिकारियों को उनके द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं। जहाँ ये खड़ी हैं हम आपको बता दें अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत यहाँ 26 फरवरी को इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होना है। 26 फरवरी की तारीख तय कर दी गई है, जो बात रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया है। इस विशेष रेलगाड़ी से डीआरएम नमिता त्रिपाठी सिवनी पहुंची। 19 फरवरी सोमवार को उनके द्वारा सिवनी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। 19 फरवरी को उनके द्वारा निरीक्षण करने के उपरांत अगले ये सोमवार को हुआ और अगले सोमवार को एक बार फिर हम आपको बता दें कि अगले सोमवार 26 फरवरी को यहाँ पर इसका लोकार्पण किया का प्रस्ताव है। 26 फरवरी को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत ये किया जाएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ देख सकते हैं इस विशेष रेलगाड़ी से नमिता त्रिपाठी डीआरएम नागपुर उनके द्वारा जो सूत्रों ने बताया एसईसीआर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम कार्यालय के सूत्रों ने ये जानकारी भी दी। जीएम कार्यालय के सूत्रों ने भी ये जानकारी दी कि डीआरएम नमिता त्रिपाठी के द्वारा मंडला नैनपुर बालाघाट इन तीन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण के बाद सिवनी रेलवे स्टेशन का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और सिवनी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद वे सिवनी से छिंदवाड़ा की ओर रवाना हो गई। यहाँ जिस जगह पर रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई थी जब सबसे पहला कार्यक्रम हुआ था उसी जगह 26 फरवरी को रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि 26 फरवरी को यहाँ पर अमृत भारत स्टेशन स्कीम ABSS के तहत यहाँ रेलवे का
इस स्टेशन को का उद्घाटन किया जाएगा। जिस स्टेशन का रिनोवेशन चल रहा है, सूत्रों ने ये भी बताया कि चूंकि जल्दबाजी में सारे काम कराए जा रहे हैं, देखिए डीआरएम स्पेशल यहां से रवाना होते हुए आपको दिख रही होगी, निरीक्षण यान इंस्पेक्शन कार यहां से रवाना हो रही सिवनी से छिंदवाड़ा की ओर, डीआरएम नमिता त्रिपाठी को लेकर ये डीआरएम स्पेशल यहाँ से रवाना हो चुकी है। शाम को लगभग 4:30 बजे के लगभग 19 फरवरी सोमवार को डीआरएम स्पेशल यहाँ से छिंदवाड़ा के लिए रवाना होती हुई, हम एक बार फिर आपको बता दें, अमृत भारत स्टेशन स्कीम ABSS के तहत जितने भी काम कराए जा रहे हैं, चूंकि अप्रैल या मई में चुनाव होने, तो उसके पहले इन सारे कामों को पूरा करने के लिए दबाव रेलवे बोर्ड के ऊपर निश्चित तौर पर है, और रेलवे बोर्ड के दबाव के चलते ही जिस तेज गति से काम चल रहा है, यद्यपि सूत्रों का कहना था कि काम भले ही पूरा ना हो पाए, पर इनका उद्घाटन यहां पर करा दिया जाएगा। सिवनी में जब तक रेलगाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ती है, और इसकी उम्मीद रेलवे बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि अप्रैल के बाद या मई के बाद सिवनी को बहुत सारी रेलगाड़ियां भी मिल सकती हैं, ये बात भी रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की खबरें पसंद आ रही हैं, तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।